Nire gama bama gare, nire gama bama gare, gama bada ni ni da ba, ma bada ni sa ni da ba, ma da ni sa ni da ba, ma da bama gare sa. ये पलटा बन सकता है। गगरे सा नीरे सा नीदा बमा दा बमा गरे नीरे गमा बमा गरे गगरे सा नीरे सा, ये एक पलटा बन सकता है। अलंकार और पलटे में क्या फर्क होता है? ये दो शब्द आपने सुने होंगे। अगर आप शास्त्रीय गायकी कर रहे हैं और क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि अलंकार क्या होता है, पलटा क्या होता है। लेकिन तब भी अक्सर लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है, लोग पलटों को ही अलंकार कहते हैं, अलंकार को ही पलटे कहते हैं। तो क्या ये वही चीज़ है? क्या दोनों सेम है या कुछ फ़र्क होता है? पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि मैं अपनी नॉलेज अनुसार आपको बताऊँगा, या जो 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 कुछ एक्सपीरियंस मैंने लिया है इस फील्ड में उससे मैं आपको समझाऊँगा कि क्या अलंकार और पलटे में फ़र्क होता है या नहीं होता है। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू। अभी जो आपने टीज़र देखा, हरिजा पांडे मेरी सिस्टर का गाया हुआ एक गीत है। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर आने वाला है, उसे ज़रूर सुनिएगा। 15 नवंबर को रिलीज डेट है उसकी। तो आइए अब बात करते हैं अलंकार और पलटे में। देखिए, अलंकार शब्द तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलंकार मतलब होता है ऑर्नामेंट, जो स्वरों को अलंकृत करे, है ना। स्वरों को अलग अलग रूप से, अलग अलग पेयर्स में, अलग अलग पैटर्न्स में जब गाया जाता है तो एक अलंकृत, यानी उनकी शोभा जो है बढ़ जाती है, खूबसूरती है जो बढ़ जाती है, सुनने में बड़े मेलोडियस लगते हैं। सात सुर हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इनका तीन तीन का पेयर बना दीजिए। सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि, यानी उन इंडिविजुअल स्वरों को आपने थोड़े से पेयरिंग कर दी तो देखिए उनमें खूबसूरती आ गई। कुछ और पेयर कर दीजिए। सारे म ग रे सा रे ग म रे ग प म ग रे ग म ब ग म ध ब म ग म ब ध म ब नि ध ब म ब ध नि। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, एक सुनने में मधुर लग रहा है कि अरे एक के बाद एक लड़ सी बन गई। तो उन इंडिविजुअल स्वरों को सुशोभित किया, अलंकृत किया, तो बनता है अलंकार, यानी एक लड़ में, एक पैटर्न में जाना। अब यही चीज़ जब रागों में होती है इंडिविजुअल, तब उनको हम पलटे कह देते हैं, क्योंकि अलंकारों में एक ही पैटर्न होता है, पलटों में राग का चलन होता है। ये थोड़ा सा फर्क है। अगर अलंकार हम राग में गाएं, है ना, थाट में नहीं, थाट में गाए जाएं तो अलंकार होंगे, यानी संपूर्ण लगेगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थाटों में अलंकार करना होता है तो उनका स्वर जो है वो स्पष्ट लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आप मध्यम से गंधार का कर्ण ले लें, या फिर मीण ले लें, या गमक ले लें, वो नहीं होता है। और जो स्वरों का मान है, यानी रे कोमल है तो रे कोमल सीधा लगेगा, भैरवी में लगेगा तो भी वही रे कोमल लगेगा, मारवा में लगेगा तब भी वही रे कोमल लगेगा। लेकिन यही जब राग में आ जाता है तब जो है वही कोमल, वही रे कोमल बदल जाता है। यही रे कोमल आपका मारवा का अलग लगेगा, तो यही रे कोमल आप बिलास खानी के अगर पलटे करते हैं तो अलग लगाना पड़ेगा। अगर आप पूर्या कल्याण में यही रे कोमल लगाएंगे तो आपको वो ऋषभ अलग लगाना पड़ेगा। पलटे कर रहे हैं, वही अलंकार आप गा रहे हैं, है ना। और ये समझ लीजिए कि एक ही पलटा, एक ही अलंकार हर थाट में गाया जा सकता है, लेकिन एक पलटा हर राग में नहीं गाया जा सकता, क्योंकि रागों में जो है स्वर छूटते हैं, कई बार वर्जित होते हैं, तो कई बार अल्प होते हैं, तो कई बार आरोह में अलग और अवरोह में अलग होते हैं। तो उस अनुसार जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम पलटे कहते हैं, और राग के पलटों में राग का चलन होता है। इसीलिए राग के पलटों का अगर रियाज हो जाता है तो राग का चलन हमारे लिए क्लियर होता है कि वहाँ पर मध्यम ऐसे लगेगा, वक्र है या सीधा है, है ना। तो राग में जब वो स्वरों के जो लड़ियाँ बनती हैं उनको कहते हैं पलटे। इसीलिए पलटे जो हैं राग के होते हैं। राग के कभी भी अलंकार आपने नहीं सुना होगा कि राग में अलंकारों का रियाज हो रहा है, है ना। और जो लोग अलंकारों को राग में गाते हैं तो वो बड़ी, उसको कहते हैं अलंकारिक गायकी है उनकी, यानी वो बड़ी बचकानी सी गायकी है। जैसे कि हम कोई ख्याल गा रहे हैं यमन का, नि रे ग म प रे ग रे नि ध सा हे रे या लि पि या बे न सखे रे ग म ब ध म ब ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध ब म ध ब म ग रे सा हे रे। तो ये अलंकारिक गायकी है, अलंकारिक तान हो गई। अब इसमें आप देखिए कि राग का चलन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि अब अलंकार तो निश्चित है, वो तो ऐसे ही जाएगा, सारा पैटर्न तो सेम रहना चाहिए, नहीं तो अलंकार कैसे रहेगा। लेकिन राग का चलन वो कहता ही नहीं, ग म ब ध म ब ध नि अब म ब ध नि। ये म ब ध नि जो अंग है ये यमन में कभी इतना खूबसूरत लगता नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तब भी क्योंकि हम अलंकार गा रहे हैं तो इसमें हम ये अंग लगाएंगे, है ना। तो यहाँ गलत हो जाता है, इसीलिए जो है
है, अलंकार नहीं पलटों का रियाज होता है। अब अलंकार तो ये कहेगा कि सा रे ग म प ध नि सा सा नि र प म ग रे सा, लेकिन अगर राग में यही पलटा करोगे तो सा नहीं नि रे ग म प ध नि सा ये लगेगा, है ना। नि रे ग म प म ग रे, नि रे ग म प म ग रे ग म प ध नि नि ध प म प ध नि सा नि ध प म ध नि सा नि ध प म ध प म ग रे सा, ये पलटा बन सकता है। गगरे सा नीरे सा नी धा म धा म गरे नीरे गा म पा म गरे गगरे सा नीरे सा, ये एक पलटा बन सकता है, है ना। ऐसे अलग अलग पलटे बनते हैं। पलटा मतलब क्या, पलट ये जो शब्द है, उलट और पलट, यानी कोई भी चीज़ को ऐसा है तो ऐसे कर देना, ये पलट दिया, है ना, तो इसको पलटा कहते हैं। जब वही स्वरों के अलंकार मान लीजिए, लेकिन अलंकारों में से पैटर्न हटा दीजिए और उसको ही एक लड़ मान लीजिए, वो जब रागों में होती है तो पलटे बनते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ राग के पलटे पहले सिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं कुछ रागों में, तो आप वो वीडियोज़ भी देखिए तो आपको कुछ रागों के पलटे जो हैं जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँ, आपके ये जो सवाल हैं उनको हल करता रहूंगा, ठीक है। मेरा यार तू मेरा प्यार तू, इसे देखना मत भूलिएगा। हमने बड़ी मेहनत करी है इस गीत पर, एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है हमारा, SPW स्टूडियोज का खुद का प्रोडक्शन है, मेरी सिस्टर का गाया हुआ गीत है, जरूर सुनिएगा मास्टर निशांत प्रोडक्शंस पर। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।